हेलो गाइस, वेलकम बैक पहाड़ी। तो आज हम एक और नई वीडियो के साथ आए हैं और हमारा जो पहले एलईडी और ट्राइपॉड सेट था वो टूट गया, जो कि हल्की क्वालिटी का था। तो सबसे पहले हम ओपन करके दिखा रहे हैं ट्राइपॉड। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी मेरा पहले वीडियो देखा हुआ है किस तरीके से मैंने ट्राइपॉड और रिंग लाइट को इंस्टॉल किया था। आज मैं वापस दिखाता हूँ, तो आप पहला वाला वीडियो देखना और अभी वाला वीडियो देखना और मुझे बताना दोनों की कॉस्टिंग। चलिए ओपन करते हैं। ये काफी हैवी भी है। ये पहले वाले से क्वालिटी मच 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 बेटर है, देखिए इसका। और पहले वाला हमारा एल्यूमिनियम का था और अभी ये आयरन सेट है। तो चलिए इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसके भी तीन हैं, जैसे उसमें अलग थे, तीन नीचे की तरफ थे, इसमें सेगमेंट ऊपर की तरफ है। और ये मैक्सिमम 9 फीट तक जा सकता है, और पहले वाला जो हमारा था वो 5 या 5.5 फीट तक था। तो आइए मैं इसका दिखाता हूँ आपको एडजस्टमेंट। तो इसके ऑलरेडी मैंने ओपन कर दिए हैं, देखिए इसको नीचे से हम इस तरीके से सेट करेंगे आपको जैसा चाहिए। देखिए इस तरीके से इसको पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देना और ये पूरी की तरह सेट हो जाएगा। हो गया अंशु शायद? ठीक है, उसके बाद हमने इसको लॉक कर दिया है यहाँ से। यहाँ पे दो और है, इसको ओपन करेंगे हम। और ये देखिए इस तरीके से जाएगा और इसको यहाँ पे लॉक कर देना ताकि इससे नीचे ना जाए। और सिमिलरली यहाँ से भी ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये 9 फिट, मेरी 5-8 है, तो आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक जा रहा है। और ऊपर फिर एलईडी लाइट और आएगी। तो इसको अभी मैं नीचे कर देता हूँ, मुझे इतना ऊपर नीचे चाहिए। तो मेरे को लगता है मेरा फर्स्ट फोल्ड को भी नीचे करना पड़ेगा मुझे। चलिए सेट करते हैं। तो ये मैंने सेट कर दिया। और अगर आपको को डायरेक्ट कैमरा लगाना है और एलईडी लाइट यूज़ नहीं करनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मोबाइल अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है हमारी एलईडी रिंग लाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले वाली से भी काफ़ी यूज साइज है इसका। आइए चलिए इसको ओपन करते हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, 360 डिग्री रोटेटिंग पैन टिल्ट फ्री एडजस्टमेंट ऑफ लाइट कंपेंशन एंगल। अब इसमें आप देख सकते हैं सॉफ्ट लाइट फ्री स्पिन और बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। अंश इसको ओपन करें, ओपन करें, आप इसको खींचो, खींच दो। ये चलो इसको देखते हैं हम। ओहो बहुत सारी चीजें आई हैं, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। इसके साथ साथ में जो भी अटैचमेंट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिंग लाइट। तो आप देख सकते हैं ये पहले वाले से कितना यूज है। मैंने पहले वाला भी ऐसे दिखाया था आपको, तो आप देखिए कितना यूज है। आइए मैं पास से आपको इसको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये आपका लाइट चेंजिंग का है, और आपका लाइट की इंटेंसिटी आपको बढ़ानी घटानी है उसके लिए यह है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 पोर्ट दिए गए हैं। तो 3 पोर्ट जो यहाँ पे दिए गए हैं, आप 3 मोबाइल एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये है अटैचमेंट जो यहाँ पे ये अटैच होगा और ये वाला पार्ट होगा इसके ऊपर कनेक्ट। तो ये किस तरीके से है? मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमको इसको ओपन करना है। ठीक है, और देन अंशु इसको हमको लगाना है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके देखिए ये वाला जो अटैचमेंट था ये इसमें रिंग्स बनी हुई है, तो वन बाय वन आप इसको सेट करेंगे और डाल देंगे। और उसके बाद जो स्क्रू दिया हुआ है इसमें चूड़ी बनी हुई है, ठीक है, जिसका हम रिंग बोलते हैं, इसको इस तरीके से घुमा घुमा के इसके अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे एंड से बाहर आ गया है, देन देयर इज अ बोल्ट, इसको हम इसमें टाइट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल टाइट। ठीक है, तो ये हमारी रिंग लाइट का नीचे का पोर्शन रेडी।
तो अब जैसे ये है, इसमें हमने इसको सबसे पहले लूज करेंगे, और लूज करने के बाद ये जो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है ये इसमें हम इसे फिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से अंदर जाएगा, ठीक है। इसको पूरा फिक्स करने के बाद आपको फिर इसको टाइट करना है। आप अच्छे से टाइट कर लेना, नहीं तो गिर सकता है। ये देखिए तो ये इसमें फिक्स हो गया है, ठीक है। अभी भी देखो मेरी हाइट से कितना ज्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करूंगा। ठीक है, राइट। तो अभी मेरे हाइट पर सेट आ रहा है, तो हम इसको नीचे देख सकते हैं, लॉक कर देंगे। ये इसके साथ कुछ हमारे पास टोटल 3 अटैचमेंट आए, जैसे मैंने आपको बताया था 3 सेगमेंट है, तो आप 3 इसमें मोबाइल लगा सकते हैं। तो ये मोबाइल लगाने के इसमें अटैचमेंट्स 3 आए, मैं आपको एक लगा के बताता हूँ, ठीक है। तो एक अटैचमेंट हम लगाते हैं इसमें, आइए। देखिए ये मैंने सेंटर वाला लगा दिया है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड देन इसको भी आपको पहले रिवॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक गोल गोल सा है, वो तब इसमें फिक्स बैठेगा। तो इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे, ठीक है। चलिए हम सेट सेट करते हैं कट। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सेट कर दिया है, आप ये देख सकते हैं मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब सिंपली आपको अपना फ़ोन इसमें सेट करना है, मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ, जैसे करते हैं नॉर्मल वैसे आपको यहाँ पे इसमें सेट करना है। देन यू आर रेडी, ठीक है। इस तरीके से आपका मोबाइल लग जाएगा। अब इसका प्रोसेस बाकी मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ, इसका नेक्स्ट अटैचमेंट। ये इसका केबल है जो हम इसको पावर सोर्स पे कनेक्ट करेंगे एंड इसके साथ अटैच करेंगे। चलिए मैं इसको अटैच करके आपको दिखाता हूँ। पीछे ये है इसका कनेक्शन पोर्ट, आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, और दूसरा आप अपने स्विच बोर्ड में कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप उधर से देखना, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, जो पावर है, वो उससे फार 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 बेटर है। तो अब मैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं मुझे इसके साथ रिमोट भी मिला है, मैं रिमोट को यूज़ करके बताता हूँ। तो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा इसको ऑन ऑफ करना, मुझे इसको टच भी नहीं करना है, सो दैट आपका ट्राइपॉड भी नहीं हिलेगा और आपका मोबाइल भी नहीं हिलेगा, एंड यू कैन इजीली रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ से आप, मैं इसकी लाइट की इंटेंसिटी कम करता हूँ, देखो आप देख सकते हो इंटेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। लाइट चेंज हो रही थी पहले वाले में, अब इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, देखो अभी कम हो रही है, कम हो रही है नाउ, अभी इंटेंसिटी बढ़ाई, लाइट चेंज करनी है। अब मैं इसको येलो लाइट लेकर आता हूँ, देखो, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे टच पैनल में भी दे रखा है, आप यहाँ से टच पैनल भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो मेरा पहले वाली एलईडी लाइट और जो ट्राइपॉड था वो नियर टू 3000 था, और ये जो मुझे पड़ा है ये 2500। तो आप देख सकते हो पहला वाला, और इसको कंपेयर करोगे, दिस वन इज फार बेटर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, बड़ा भी है, और मुझे लगता है इससे बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। तो आने वाली सारी वीडियो अब इससे शूट होगी। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पहाड़ी शुक्ला।